हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी भी है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा संग रास रचाते हैं। यह जगह है वृंदावन के निधिवन में। सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता है। यहां तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। रासलीला देखने वाला हो जाता है मुक्त। शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो मुक्त हो जाता है। ऐसा ही एक वाक्या करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। रंग महल में सजती है सेज। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातून कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। तुलसी के पेड़ बनते हैं गोपियां। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे ये मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ीदार पेड़ गोपियां बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता है। विशाखा कुंड। निधिवन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सखियों के साथ रास रचा रहे थे तभी एक सखी विशाखा को प्यास लगी। कोई व्यवस्था न देख कृष्ण ने अपनी वंशी से इस कुंड की खुदाई कर दी, जिसमें से निकले पानी को पीकर विशाखा सखी ने अपनी प्यास बुझाई। इस कुंड का नाम तभी से विशाखा कुंड पड़ गया। बांके बिहारी का प्राकट्य स्थल। विशाखा कुंड के साथ ही ठाकुर बिहारी जी महाराज का प्राकट्य स्थल भी है। कहा जाता है कि संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने स्वरचित पदों का वीणा के माध्यम से मधुर गायन करते थे, जिसमें स्वामी जी इस प्रकार तन्मय हो जाते कि उन्हें तन मन की सुध नहीं रहती थी। बांके बिहारी जी ने उनके भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिन स्वप्न दिया और बताया कि मैं तुम्हारी साधना स्थली में ही विशाखा कुंड के समीप जमीन में छिपा हुआ हूं। स्वप्न के आधार पर हरिदास जी ने अपने शिष्यों की सहायता से बिहारी जी को वहां से निकलवाया और उनकी सेवा पूजा करने लगे। ठाकुर बिहारी जी का प्राकट्य स्थल आज भी उसी स्थान पर बना हुआ है। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज की समाधि। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज की भी समाधि निधिवन परिसर में ही है। स्वामी हरिदास श्री बिहारी जी के लिए अपने स्वचरित पदों के द्वारा वीणा यंत्र पर मधुर गायन करते। अपने सभा रत्न तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर इनकी संगीत कला का रसास्वादन करना चाहते थे, किंतु स्वामी जी का यह दृढ़ निश्चय था कि अपने ठाकुर के अतिरिक्त वो किसी का मनोरंजन नहीं करेंगे। इसलिए एक बार सम्राट अकबर वेश बदलकर साधारण व्यक्ति की भांति तानसेन के साथ निधिवन में स्वामी हरिदास की कुटिया में उपस्थित हुए। तानसेन ने जानबूझकर अपनी वीणा लेकर एक मधुर पद का गायन किया। अकबर तानसेन का गायन सुनकर मुग्ध हो गए।